मशरूम फार्मिंग बिजनेस प्लान, इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश, प्रॉफिट यानी कि लाभ और कल्टीवेशन स्टेप्स माने उत्पादन करने की विधि। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मैं सिद्धार्थ गुप्ता और आप लोग देख रहे हैं माइक्रोफंगी मशरूम एक्सपर्ट प्राइवेट लिमिटेड का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जो विषय है ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमने कोशिश की है आपको बहुत डिटेल में बताने का, क्योंकि अगर आप ये जो वीडियो है जिसको हमने पॉडकास्ट के रूप में आपके सामने प्रस्तुति करने की कोशिश की है, जो कि आपको देखना नहीं है, आप चलते हुए भी आंख बंद करके रात के वक्त या कहीं पर भी सुकून के साथ आप इसको सिर्फ ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अगर आप मशरूम की खेती और बिजनेस करने में इच्छुक हैं, इसका लाभ उठाना चाहते हैं, क्योंकि मशरूम भविष्य का खाना है, इसको आप गांठ बांध लीजिए। ये एक ऐसा चमत्कारी औषधीय सब्जी है जिसके बारे में जितना भी कहा जाए कम है। ऐसे तो मशरूम के नाना रकम के प्रजाति हैं, बहुत वैरायटी भी है मशरूम्स का, तो हम लोग ज़्यादा वो सब डिटेल्स में नहीं जाएंगे। जो हम लोगों का काम के लायक जो भी आपको इन्फॉर्मेशन काम संबंधित हमारे मशरूम फार्मिंग और बिजनेस के संबंधित देना है, वही हम आपको देने की कोशिश करेंगे। और आज जो ये वीडियो है इसमें हम लोग कुछ ये सब पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे, जिसपे एक नंबर में आएगा मशरूम फार्मिंग बिजनेस प्लान क्या है, कैसे करना है प्लानिंग, क्योंकि बगैर प्लानिंग का बिजनेस करना सही नहीं होगा। आप ट्रायल मार सकते हैं, ट्रायल के रूप में आप छोटा मशरूम का फार्म कर सकते हैं, 10 किलो बीज के साथ 100 पैकेट लगा कर करके। लेकिन जब आप कमर्शियल फार्म कीजिएगा तो कमर्शियल फार्म कम से कम 3000 स्क्वायर फीट का होना चाहिए, तभी वो कमर्शियल कहलाएगा। तो दोस्तों, हम लोग पहला जो पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे मशरूम फार्मिंग बिजनेस प्लान, दूसरा है कि व्हाट इज़ मशरूम, मशरूम है क्या, तीसरा पॉइंट है डिमांड और मार्केट, मशरूम का कितना डिमांड है, मार्केट कहाँ है, कैसे उत्पन्न करना है मार्केट, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और उसके बाद चौथा नंबर पे आता है, हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे मशरूम फार्मिंग बिजनेस ही क्यों करना चाहिए मशरूम फार्मिंग बिजनेस। पांचवा नंबर पे है आपका नाना प्रकार के मशरूम की उपलब्धता मार्केट में, साग सब्जी जहाँ बिग सुपरमार्केट मॉल जहाँ भी आप जाते हैं तो वहाँ पर उसकी उपलब्धता कौन कौन सी मशरूम की है। उसके बाद जो मशरूम का खेती उत्पादन करने का जो विधि है, प्रोसेस है, उसके बारे में हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। और उसके बाद विस्तार रूप से हम लोग चार मशरूम के बारे में ज़्यादा चर्चा करेंगे, वो है बटन मशरूम जो कि ज़्यादातर लोगों के नॉलेज में है। उसके बाद आता है ऑयस्टर मशरूम, इसके भी 4-5 वैरायटी काम में आते हैं। उसके बाद आता है आपका मिल्की मशरूम जो गर्मी का राजा है, गर्मी में होता है, और बरसात का राजा है हमारा पैडी स्ट्रॉ मशरूम यानी कि पुआल मशरूम। और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मशरूम फार्मिंग बिजनेस और कल्टीवेशन का जो टिप्स है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने से फ़ायदा है, क्या करने से नहीं फ़ायदा है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे मशरूम फार्म को कैसे जीरो से पूरा बनाना है, उसका एक आपको रूपरेखा तैयार करना पड़ेगा, एक प्लानिंग तैयार करना पड़ेगा, फार्म का स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा, कहाँ पर कीजिएगा, कितना बाई कितना का क्या होगा, कितना माल लगेगा, कितना पैसा लगेगा, ये सब चीज़ आपको एक डिस्कशन हम लोग उसके बारे में करेंगे। उसके बाद
अभी जैसे कि हमारा स्टार्टअप चल रहा है, स्टार्टअप इंडिया और स्किल इंडिया, तो मशरूम उसके तहत भी आता है। तो अगर कोई मशरूम के स्टार्टअप से संबंधित कुछ करना चाहे तो उनका जितना भी रिसोर्स है, कंप्लीट स्टार्टअप रिसोर्स मशरूम फार्मिंग बिजनेस का, उसके बारे में आपको बताएंगे। कमेंट में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लिंक वगैरह जो भी देना है आप वो कर सकते हैं। हमसे भी आप संपर्क कर सकते हैं, हमारा फ़ोन नंबर है 9681505071। लेकिन सुबह 10 बजे के बाद शाम 6 बजे तक ही, 6 बजे के बाद फ़ोन मैं नहीं उठाऊंगा, उसके लिए मुझे माफ़ी चाहता हूं मैं। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे इन्वेस्टमेंट, मशरूम उत्पादन में क्या कॉस्टिंग आती है, कितना निवेश करना है, किस तरीका से निवेश करना है। उसके बाद आखिरी नहीं आखिरी से एक कदम, प्रॉफिट, मशरूम फार्मिंग बिजनेस में प्रॉफिट के बारे में हम लोग बात करेंगे। और लास्ट में हम लोग उसका टोटल निचोड़, क्या निचोड़ निकलता है कि मशरूम का काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या फ़ायदा है नहीं फ़ायदा है, इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप लाइक करें ना लाइक करें, जो भी आपको कमेंट में लिखना है वो आपकी मर्जी है, सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। मेरी आपसे निवेदन है कि ये वीडियो को अगर आपको मशरूम को समझना है, मैं बहुत सोच समझ करके बहुत रिसर्च के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ बहुत दिनों के बाद, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसका पुरजोर लाभ उठाएं। और ख़ास करके हमारे रूरल एरिया में जो हमारे यंग जनरेशन है, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा लाभदायक है, क्योंकि नौकरी के चक्कर में ना पड़े, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, सब काम काम होता है। ये मशरूम का इसीलिए ये सब सोच कर करके ये वीडियो बनाया गया है। तो आपसे जस्ट एक रिक्वेस्ट है, एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 ये वीडियो पूरा अंत तक देखें, चीज़ को तभी समझ पाइएगा, आधा अधूरा काम बिगाड़ सकता है, आप कोई निर्णय पे नहीं पहुंच पाइएगा। तो ये वीडियो उसी संदर्भ में सोच समझ करके बनाया हुआ है, तो आइए आगे चलते हैं और विस्तार रूप से फिर बात करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग 15 पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे, जो कि मशरूम बिजनेस और उसके प्लान और उसके इर्द गिर्द, उसकी फार्मिंग, उसकी मार्केटिंग, उसके एडवर्टाइजिंग, उसके लूप होल्स, उसके प्लस पॉइंट्स, ये सब के इर्द गिर्द घूमेगा ये 15 पॉइंट, जिसको सुनने के बाद मुझे उम्मीद है कि आप लोग में एक कॉन्फिडेंस पैदा हो जाएगा, जो नया मशरूम के काम में लगे हैं या जो व्यक्ति लगना चाह रहे हैं या ऑलरेडी लग चुके हैं, उनको समस्या आ रही है। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत बहुत हेल्प करेगा, मदद करेगा आपको अपने मशरूम के बिजनेस को फिर अपने धुन में लगन लाने के लिए शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल माइक्रोफंगी मशरूम एक्सपर्ट, ओनली मशरूम नो बकवास। दोस्तों, मशरूम फार्मिंग बिजनेस के लिए अगर आप सोच रहे हैं, तो ये जो वीडियो है और ये जो जगह है और जो माइक्रोफंगी है वो, दोस्तों मशरूम का इंडस्ट्री बहुत जल्दी बड़ा हो रहा है और नए उद्यमी या बिजनेस करने वालों के लिए, महिला हो या पुरुष, दोनों के लिए प्रॉफिटेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। मशरूम का कंजम्पशन डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है और जैसे जैसे इसकी रिसर्च होती जा रही है, लोगों में इसकी ज्ञान बढ़ती जा रही है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन आता जा रहा है, अच्छा रिसर्च के बाद अच्छा तरीका का बीज कल्चर तैयार करने का मौका मिल रहा है, अच्छा ब्रीड का साथ ब्रीडिंग करने का मौका मिल रहा है, तो ये एक वास्ट अपॉर्चुनिटी है। आप सिर्फ मशरूम उगा करके नहीं, मशरूम का और भी बहुत कुछ है,
मशरूम का एक अलग अपना दुनिया है। और अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ खाने के संबंधित जो मशरूम उगाए जाते हैं, और ख़ास करके इंडिया में इसका जो अभी अपॉर्चुनिटी है, जैसे अभी जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो उस वक्त इंडिया ऑलरेडी दुनिया का सबसे पॉपुलेशन वाला देश बन गया, सबसे ज़्यादा आबादी उसने चाइना को भी क्रॉस कर दिया। और एक और बड़ी बात, अच्छी बात भी है और ख़राब बात यह है कि हमारा 35 ईयर का जो एज है, मतलब यंग जनरेशन, लगभग 65% पॉपुलेशन जो है यंग कैटेगरी में, तो खाने का ज़मीन कम पड़ता जा रहा है। लोगों में स्वास्थ्य को लेकर के, अपने आप को लेकर के रुचि बढ़ रही है, अपना केयर लेने लगे हैं लोग, खान पान ये सब चीज़ देखने लगे हैं लोग, क्राइटेरिया फूड इंडस्ट्रीज़ का टाइट होता जा रहा है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत शरीर को कष्ट भी दिया है जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स, और बहुत तरीका का हानिकारक हम लोगों ने हजम किया है। तो मशरूम का बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही बेटर अपॉर्चुनिटी है। अगर आप मशरूम का सेक्टर में आना चाहते हैं तो ये एक बहुत ही प्रॉफिटेबल सेक्टर है। लेकिन दोस्तों, इसमें एक बात है कि ये एक खेती नहीं है, ये एक साइंटिफिक खेती है। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, इसको आपको मेंटेन करना पड़ेगा, इसका मेन खेला यही है। बाकी और भी बहुत कुछ है लेकिन मेन यही है। ऐसे तो हर स्टेप मशरूम का मेन है। मशरूम को आपको बहुत प्यार से, बहुत केयरिंग से, बहुत साफ सुथरे इन्वायरमेंट में, माहौल में उगाना पड़ेगा। जैसे हॉस्पिटल का ऑपरेशन थिएटर, आपका ग्रोइंग रूम वैसा ही होना चाहिए। तो दोस्तों, अभी तक जो हम लोगों ने बात किया ये तो इधर उधर के बात है कि आप कैसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं मशरूम का। आइए शुरू। तो दोस्तों, एक नंबर पे आता है मशरूम फार्मिंग बिजनेस प्लान। मशरूम फार्मिंग बिजनेस प्लान का मतलब होता है कि आप जैसे बिजनेस शुरू करने वाले हैं तो उससे पहले आप एक अपने दिमाग में, उसके बाद पेन पेपर के ऊपर एक आपको लिखित तौर पे लिखना पड़ेगा कि आप चाहते क्या हैं, आप किस तरीक़ा से आगे बढ़ना चाहते हैं, कितना बाई कितना का रूम होना चाहिए, कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, या आप सिर्फ करके देखना चाहते हैं तो कहाँ से आप, क्योंकि ये वीडियो देख करके करने वाला अगर सीरियस जो करना चाहते हैं तो उनको तो कोई ऐसे व्यक्ति को पकड़ना पड़ेगा जो इस मामले में एक्सपर्ट है, जो पिछले 3-4-5 साल से इस क्षेत्र में काम कर रहा है, मशरूम को लेकर करके ऑलरेडी काम कर रहा है, कर रहे थे नहीं, कर रहा है। उसका सहयोग तो आपको लेना ही पड़ेगा अगर आप सीरियस हैं मशरूम का काम करने के लिए। तो फिर कितना बाई कितना का रूम में कीजिएगा, क्योंकि रूम के अंदर छांव में होता है। 20 बैग उगाइएगा, 100 बैग उगाइएगा, कौन सा पद्धति में कीजिएगा, मार्केटिंग कैसे कीजिएगा, कितना डेली रोजाना आपका प्रोडक्शन होना चाहिए, किस तरीका का आप अपना ग्रोइंग रूम तैयार कीजिएगा, ऑलरेडी तैयार है नहीं है, ठीक है कि नहीं है, ये सब तो जानकारी एक्सपर्ट को ही होता है। ऐसे आपको 2-4 किलो उगाना है ठंडा में, आप उससे ज़्यादा भी उगा सकते हैं। लेकिन अगर आप कमर्शियल वे में बिजनेस करना चाहते हैं, सीरियस प्लेयर हैं, तो आपको एक मशरूम फार्मिंग का बिजनेस प्लान करना पड़ेगा कि इसके बाद क्या। आपने जैसे सोचा कि मुझे मशरूम का काम करना है, उगा के देखना है, या ट्रेनिंग लेकर करके आपको कहीं से संस्थान से, पब्लिक हो, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, कोई भी अच्छा रेपुटेड कोई आदमी को जानकारी में लीजिए, उसका जो फीस है उसको आप फीस दीजिए ताकि वो आपको सही माने में समय दे सके। क्योंकि ऐसे आप अगर बार बार समय खोजिएगा तो वो थोड़ा एक दो बार करेगा, फिर ये करेगा, निगलेक्ट करेगा आपको। अगर आप फीस के प्रोसेस से जाइएगा तो आप एक सिस्टमेटिक ढंग से आप एक प्रोफेशनल के रूप में उनको ट्रीट कर रहे हैं तो वह लोग के वो भी खुश, आप भी खुश, ठीक है। तो ये सब चीज़ मशरूम प्लान में आपको जानकारी सब अपना पेन एंड पेपर में लिखना पड़ेगा, किसके पास जाना है, बीज कहाँ से आता है, क्या पुआल में लगता है, पुआल कहाँ से आएगा, कितना आएगा, कटिंग कहाँ होगा, ठीक है।
तो ये सब खांचा आपको तैयार करना पड़ेगा। ये सब तैयार करने के पश्चात, उसके बाद जब पूरा तैयार होगा, उसके बाद आपको जानना है कि मशरूम है क्या भला, व्हाट इज़ मशरूम। तो दोस्तों, मशरूम एक ऐसा फफूंदी है, स्पोर, एक दाना टाइप का एक प्राणी है, जो मशरूम उसको बोला जाता है जो कि नज़र आता है आँख से, ठीक है। तो ये मेन है फंगी प्रजाति, फंगी किंगडम का अपना एक अलग साम्राज्य है, जिसके तहत लगभग 38,000 से 50,000 मशरूम की अभी तक खोज हो चुकी है, जिसमें कि आपका मॉस आता है, एल्गी आता है, ईस्ट आता है, जितना ब्रेड का या बेकरी का आइटम खाते हैं, या आप जो शराब पीते हैं, या कोई भी अल्कोहलिक ड्रिंक आप लेते हैं, तो उसका फर्मेंटेशन के लिए ईस्ट का ज़रूरत पड़ता है, तो वो भी फंगस का ही होता है, ठीक है। और अभी तो नाना प्रकार का फंगस का, जैसे जैसे रिसर्च बढ़ रहा है, नाना प्रकार के फंगस का छानबीन हो रहा है, हर कलर में, साइज में, हर तरीका से, हर शेप एंड साइज़ का आपको मिलेगा, फंगी मिलेगा, मोल्ड है इन लोगों की प्रजाति में, ईस्ट आता है, उसके बाद में आपका मोस आता है, जो रस्टिंग होता है, जो आपका लोहा वगैरह में जो रस्टिंग होता है, वो भी एक प्रकार का फंगी है। ये टोटल साम्राज्य, जैसे हम लोग का मनुष्य का साम्राज्य है, वैसे उन लोग का फंगी का साम्राज्य है। मनुष्य में अलग अलग प्रजाति का मनुष्य, अलग अलग सोच का, अलग अलग जगह का, अलग अलग समझ का, तो उनका में भी यही तरीका है। और इनका मुख्य काम है कि कोई भी चीज़ में घुस कर करके, खास कर करके ऑर्गेनिक वेस्ट जो है, जो हम लोग का खेती बाड़ी का अवशेष है, उसको तोड़ कर करके उसमें से शुद्ध न्यूट्रिएंट, जो पौष्टिक तत्व होता है, उसको लेकर करके वो लोग उगता है। तो यही, इसी को कहते हैं मशरूम, और जो कि बहुत लोगों में अब पसंद किया जा रहा है वर्ल्ड वाइड, इसकी डिमांड डे बाय डे बढ़ती जा रही है। मशरूम का भविष्य है, बहुत ही भयानक भविष्य है। ये सब्जी के तौर पे अभी तो आप लोगों ने यहाँ पर ज़्यादातर बटन मशरूम को लोगों ने देखा, उसके बाद ऑयस्टर देखा, मिल्की देखा कुछ जगहों में, कहीं पे पैरी मशरूम जिसको बोला जाता है, पुआल छातू या पैडी स्ट्रॉ मशरूम, उसको देखा। अभी बहुत मशरूम देखना बाकी है, अभी इंडिया में बहुत बड़ा स्कोप है मशरूम का, अगर आप करना चाहें तो बहुत बड़ा स्कोप है, भविष्य बहुत उज्जवल है मशरूम के लोगों के लिए। ये कोई काम छोटा बड़ा नहीं है, ये काम काम होता है, और ऐसा चीज़ पे आप काम कर रहे हैं, जब आप इसके बारे में डीपली रिसर्च करेंगे, जिसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, जैसे इसको उगाने से क्या फ़ायदा है, क्यों उगाना चाहिए मशरूम, अभी तो हम लोग हल्का फुल्का डिस्कशन करेंगे, इसके अंदर क्या क्या खाने से, इसको कौन कौन सा मशरूम को क्या क्या खाने से क्या क्या बीमारी होता है, उसके अंदर क्या क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू है, ये सब के बारे में जानकारी, ये सब देकर करके हम लोग आगे वीडियो बनाएंगे। तो मशरूम यही है बस, वो डेड ऑर्गेनिक डर्बीज या जो भी उसको रिसाइकिल करता है, इकोसिस्टम को बहुत मदद करता है। मशरूम का उपयोग आयुर्वेदिक औषधि के रूप में भी, और अलग अलग प्रकार के व्यंजन के रूप में भी हजारों साल से चला आ रहा है। मशरूम के बहुत से स्पीसीज में एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी कैंसर, एंटी वायरल, एंटी एड्स कंपाउंड्स और हेल्थ इफेक्ट्स पाए गए हैं। विख्यात व्यंजनों में इसका व्यवहार किया जाता है, यूज़ किया जाता है इसके यूनिक फ्लेवर और टेक्सचर के लिए। उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे डिमांड और मार्केट मशरूम का। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि मशरूम का ग्लोबल मार्केट 10% के हिसाब से एनुअल कंपाउंड रूप में, यानी कि इस साल अगर 100 किलो है तो अगला साल 110 किलो होगा, उसके बाद के साल में 121 किलो होगा,
फिर 121 किलो का 10% वो ऐड करके उसके बाद के साल में होगा 2025 में, ऐसे ही चलता जाएगा। इसको बोलता है कंपाउंड। तो अनुमान लगाया जा रहा है कि 2022-23 पहुँचते तक पूरा दुनिया में मशरूम का जो व्यापार है, वैल्यू है, वो लगभग 50 बिलियन डॉलर अमेरिकन डॉलर हो जाएगा। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना, 1 बिलियन लगभग 8,000 करोड़ रुपया होता है इंडिया के हिसाब से। अब आप हिसाब लगा सकते हैं कि कितना बड़ा मार्केट है, 50 बिलियन × 8,000 करोड़। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि अभी कितना बड़ा मार्केट है वर्ल्ड में, और ये ग्रो करने की संभावना है, क्योंकि पूरे लोग नहीं खाते हैं। ये 50 बिलियन है, हो सकता है यही वैल्यू से अगला 10 साल में 70 हो जाए, फिर अगला 10 साल में 100 हो जाए, अगला 10 ही साल में इतना प्रचार हो कि ये सीधा 100 हो जाए। इंडिया का उसमें अभी तो कोई योगदान नहीं है, लेकिन भविष्य में होने की उम्मीद है, आशा है, और आशा का किरण आप सब भाइयों से है जो मशरूम में इंटरेस्टेड है, मशरूम में कुछ करना चाहते हैं। उन लोगों के लिए डिमांड डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है, और मशरूम वेजिटेबल के रूप में, नॉन वेज नहीं है ये प्योर शाकाहारी है, ये मांसाहारी नहीं है, ये शाकाहारी है, प्योर वेज के रूप में इसका स्टेटस है वर्ल्ड वाइड। वेगन में आता है, मतलब वेजिटेबल में भी जो होता है वेज में, उसमें भी सुपीरियर है, वेगन्स में आता है। और इसमें बहुत उच्च मात्रा में सिलेनियम पाया जाता है, विटामिन डी पाया जाता है, जो कि अभी मैंने आगे भी बोला था इसी वीडियो में कि 49% हिंदुस्तानियों में विटामिन डी की कमी है, जिससे हड्डी का, आँख का और नाना रंग का समस्या हो सकता है। इसके ऊपर भी मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा, तो उसके बारे में डिटेल में बात करूंगा कि कौन सा इसके अंदर जो तत्व है वो कौन सा बीमारी में काम आता है। और ग्लूथाइन है और एग्रोथियोनिन बोलकर करके होता है, ये सब टेक्निकल टर्म्स है, मतलब ओवरऑल इसमें ऐसा तत्व पाया जाता है जो कि हम लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है एक इंसान मनुष्य के शरीर के लिए। मशरूम का जो फ्लेवर होता है वो हल्का नमकीन टाइप में आता है, तो जिससे कि आपको नमक जो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक बोलते हैं सब कोई, उसका लेना कम हो जाएगा अगर आप मशरूम का इस्तेमाल करेंगे तो, और आपके स्वास्थ्य को लाभ भी होगा। चाइना वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, उसके बाद में अमेरिका आता है, उसके बाद नीदरलैंड, और भी बहुत से, जापान है, कोरिया है, फिलीपींस है, वियतनाम है, फ्रांस, उधर जो भी है। लेकिन अमेरिका में डिमांड बढ़ता जा रहा है, प्रोडक्शन कम होता जा रहा है, क्योंकि वहाँ के लोग काम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन भूखे तो नहीं रह सकते हैं, स्वस्थ तो रहना ज़रूरी है। तो उसके लिए मशरूम का डिमांड बढ़ता जा रहा है, और मशरूम का सब प्रॉब्लम ये है कि इसका जो सेल्फ लाइफ है, इसका जो जीवन काल है, तोड़ने के बाद आपके पास से जो दुकानदार उसके पास जाएगा, उसके पास से जो खाएगा कस्टमर उसके पास जाएगा, इस दरमियान इसका सेल्फ लाइफ बहुत कम होता है। 24 घंटा से लेकर 48 घंटा मिल्की में आपको 3-4 दिन का मिल जाएगा। पैडी स्ट्रॉ तो और भी डेंजर है, 12-18 घंटा उससे ज़्यादा नहीं। और कॉमन मशरूम जो चलता है वो है बटन मशरूम, ऑयस्टर है, मिल्की है, पैडी स्ट्रॉ है, सिटाके है, गैनोडर्मा है, और ये 6 मशरूम जो है ये हम लोग भी करते हैं। इसके बारे में कोई आपको जानकारी या कोई सामान वगैरह चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं हम लोगों से भी। और मशरूम का टेक्सचर बहुत सॉफ्ट होता है, माइल्डली सेवियर फ्लेवर होता है, नेचुरल एंटीबैक्टीरियल है इसके अंदर कंपाउंड पाया जाता है, और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू बेस जो है वो ऑयस्टर मशरूम से है। ऑयस्टर मशरूम आर एक्सपेक्टेड टू हैव द हाईएस्ट रेवेन्यू बेस CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। तो ऑयस्टर मशरूम ही कम लागत में ज़्यादा लाभ देने वाला मशरूम है, तो डिमांड तो बहुत है,
मार्केट भी आस्ते आस्ते कैटर हो रहा है, आप अपना मार्केट भी बना सकते हैं धैर्य रख करके। जीरो से ही आदमी हीरो बनता है। कोई भी चीज़ में अगर आप एक में शून्य लगा दीजिएगा तो 10 हो जाता है, एक और शून्य लगा दीजिएगा तो 100 हो जाता है। वैसे शून्य जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ही उसका वैल्यू बढ़ता जाएगा। तो डरिए मत, उतरिए फील्ड में और देखिए कि कैसे आप आगे बढ़ते हैं। लोगों को इसकी खासियत बताइए, बनाने की व्यंजन बनाने की विधि बताइए, इसका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, अचार, पापड़, बड़ी, मुरब्बा, बिस्किट, कुकीज़, कुछ भी बन सकता है, उसको बनाइए, उसको बिक्री कीजिए। बहुत कुछ किया जा सकता है मशरूम के क्षेत्र में। उसके बाद दोस्तों, क्यों मशरूम ही क्यों, ये पॉइंट उठता है कि मशरूम का फार्मिंग ही क्यों, ये बिजनेस ही क्यों। तो दोस्तों एक बात तो आपको बता दूं कि मशरूम में इन्वेस्टमेंट कम है और रिटर्न बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ इसमें ज़मीन नहीं लगेगा, आप एक रूम में अच्छा खासा, जैसे 100 स्क्वायर फीट के रूम में आप लगभग 150 से 200 किलो ऑयस्टर मशरूम का फसल ले सकते हैं एक साइकिल में। और इसको सनलाइट नहीं चाहिए, मशरूम को सनलाइट नहीं चाहिए, डिम लाइट, फेड लाइट, डेड लाइट ये चलेगा, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए। और उनके अंदर में न्यूट्रिशनल और ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा है। जगह कम रहेगा, आप कम पूंजी में इसको शुरू कर सकते हैं, 2-4-5 हज़ार रुपये में आप आराम से मशरूम का काम शुरू कर सकते हैं, कम जगह में, कम लागत में, छोटे रूप में, जो कि और दूसरा फसल वगैरह कीजिएगा तो आपको लाभ नहीं होगा। एक बार करके तो देखना है ना। और मशरूम का सबसे बड़ा बात यह है कि ये एग्रो वेस्ट जो होता है, जो हम लोग फेंक देते हैं पुआल, आप देखा होगा गाँव वगैरह में बड़ा बड़ा हिप बना हुआ है पहाड़ जैसा, पुआल, कुट्टी, भूसा, जो गेहूं और गन्ना धान ये सबसे जो निकला हुआ जो वेस्टेज होता है, जो कुछ गाय को खिलाया जाता है बाकी ऐसे ही फेंक दिया जाता है। जैसे जैसे मशरूम का डिमांड बढ़ता जा रहा है, इनका भी डिमांड बढ़ता जा रहा है, इनका कॉस्टिंग भी बढ़ता जा रहा है। पहले तो ये बिना मोल का मिलता था, अभी तो ऐसा मोल हो गया है कि आप सोच नहीं सकते। तो ख़राब चीज़ को अच्छा डेलिकस स्वादिष्ट व्यंजन के रूप में हम लोगों के सामने में लेके आता है। और उसके बाद में जो वेस्ट है, चिकन का मैन्योर, स्ट्रॉ, डंक, ठीक है, उसको ये रिसाइकलिंग कर सकता है तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन नहीं होगा। इसमें नाना रकम के औषधीय गुण पाए जाते हैं, जिससे नाना रकम के बीमारी से लड़ने की क्षमता शरीर की बढ़ेगी। तो आप खुश रहिएगा, आपका स्वस्थ शरीर रहेगा, तो आप 2 पैसा ज़्यादा कमाइएगा, अच्छा सोचिएगा, आपका प्रगति होगा तो समाज का प्रगति होगा, समाज का प्रगति होगा तो देश का प्रगति होगा। तो मशरूम हर प्रकार से, आप इसका जो उगने के बाद जो बच जाता है उससे आप गाय, बकरी, मुर्गी, जो मुर्गी पालते हैं, इसका आप खाना बना सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं, नाना रकम से उसको, मतलब जीरो वेस्टेज प्रोडक्ट है। और मशरूम में लो इन्वेस्टमेंट, पूंजी निवेश बहुत कम लगेगा, रिटर्न बहुत हाई है, 100% से ऊपर है, मिनिमम 100%। ये जो इनकम जनरेटिंग ऑप्शन है इसको अपनाना तो आप लोगों के ऊपर में है, समझना चीज़ को अगर सही तरीका से किया जाए तो मशरूम से बहुत लाभ हो सकता है, इनकम आपका बहुत अच्छा खासा बढ़ सकता है। तरीका से करना, आप फुल टाइम कीजिए, पार्ट टाइम कीजिए, बस केयर ज़्यादा लेना है, दिन भर नहीं खटना है, छोटा रूप में कीजिएगा, बड़ा रूप में कीजिएगा तो दिन भर तो लगेगा ही, आदमी भी और भी लगेगा। उसके बारे में आपको डिटेल में जब जैसा आप कीजिएगा वैसा आप उस तरीका से उस वक्त बता दिया जाएगा। उसके बाद मार्केट में डिफरेंट वैरायटी ऑफ मशरूम्स, बटन मशरूम है जो कि आमतौर पर उगता है सितंबर के बाद से लेकर के मार्च के महीने तक, 2 साइकिल, कहीं पर 1 साइकिल, क्योंकि ये ठंडा का मशरूम है, 22 डिग्री से लेकर के 16-14 डिग्री तक इसको फलन के लिए चाहिए। और इसी का ज़्यादा यूज़ होता है इंडिया में हर जगह, रेस्टोरेंट में और यहाँ वहाँ, ठीक है। उसके बाद आता है ऑयस्टर मशरूम, ऑयस्टर मशरूम आप साल भर कर सकते हैं, उसका अलग अलग वैरायटी है। बटन मशरूम में 3 वैरायटी है, क्रिम्सन, पोर्टाबेलिया और वाइट बटन मशरूम। उसके बाद में ऑयस्टर है, ऑयस्टर में साल भर के लिए वैरायटी है, इसका टेम्परेचर वेरिएशन ही बहुत अच्छा है, 35 डिग्री अप में है और
और डाउन में 12 डिग्री है, बहुत हार्डी मशरूम है ये ऑयस्टर मशरूम, इसका अलग अलग वैरायटी है। आराम से तो आप साल का 8 महीना 10 महीना तो कर ही सकते हैं इसको, यही आपको साल भर सपोर्ट करेगा, बाकी तो आए मियाँ गए मियाँ, ऑयस्टर मशरूम ही आपको सपोर्ट करेगा और यही आपको ज़्यादा लाभ भी देगा। और सिंगल सब्सट्रेट में उगने वाला मशरूम है, मतलब एक माध्यम से, वो है पुआल, धान का हो या गेहूँ का हो एक पुआल। उसके बाद आता है मशरूम गर्मी का जो राजा है, मिल्की मशरूम, दुधिया छातु, दुधिया खुम्बी, जो 25 डिग्री से शुरू होता है 45 डिग्री तक आप कर सकते हैं उसको, वो गर्मी में आप कर सकते हैं, उसका भी डिमांड अच्छा है। उसमें आपको आधा ऑयस्टर आधा बटन का प्रोसेस लगता है, केसिंग जो होता है वो बटन का प्रोसेस में होता है, बाकी जो शुरुआती प्रोसेस है 20 दिन तक वो ऑयस्टर का होता है मिल्की में। तो मिल्की और ऑयस्टर मिला कर करके आप साल भर कर सकते हैं। उसके बाद पैडी स्ट्रॉ है, जो ठीक बारिश के वक्त जब मतलब गुम सा मौसम रहता है, गर्म और चिपचिपा सा जब अनिजी मौसम होता है, उसमें पैडी स्ट्रॉ ज़्यादा अच्छा उगता है। तो जून से मान के चलिए जून से सितंबर अक्टूबर तक तटवर्ती इलाका जो है उड़ीसा वगैरह में, आंध्र प्रदेश उड़ीसा वगैरह में साल भर किया जाता है इसको, टेक्निक से है साल भर उसको आप कर सकते हैं। उसके बाद सिटाके मशरूम है, वो मेडिसिनल मशरूम है, इसका भी रिच फ्लेवर है, इसका भी कॉस्टिंग है, अभी नॉर्थ ईस्ट में इसका बहुत अच्छा खासा मार्केट तैयार हो रहा है, वहाँ पे उगाया भी जा रहा है, गवर्नमेंट भी मदद कर रही है। बेलिया जो आपको बताया वो तो ऑयस्टर का बटन का ही वैरायटी है उसका, जैसे बटन का सब वही 22 डिग्री से लेकर के 16 डिग्री तक चाहिए। और भी बहुत सारे मशरूम्स हैं, इनोकी है, चांट्रेल मशरूम्स हैं, सब कॉस्टली मशरूम्स हैं, मोराल है जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खाते हैं, ये पहाड़ी में होता है, अभी चाइना इसको कर रहा है आर्टिफिशियली, लेकिन कमर्शियल पूरा नहीं हो पाया अभी तक फिजिबल, इंडिया में भी उम्मीद है जल्दी ही इसका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा तो इसका रेट फिर और घट जाएगा। अभी जो ओरिजिनल होता है पहाड़ में 5000 फुट के ऊपर, वो सब जगह में 10000 से 40000 रुपया किलो के अंदर में बिक्री होता है। उसके बाद आपको जानना पड़ेगा कि मशरूम का जो प्रोसेस होता है, क्योंकि बटन मशरूम का प्रोसेस अलग है, उसमें आपको कंपोस्ट को पहले, अगर आप लॉन्ग मेथड है, शॉर्ट मेथड है, बंकर है, टनल है, आप किस प्रकार से करना चाहते हैं, आपको वीट स्टॉक हो, उसका वेटिंग एरिया, उसमें जगह थोड़ा ज़्यादा लगता है बटन मशरूम में, अगर आपको साल भर करना है तो आपको फिर उसके लिए राउंड द ईयर क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम का घर बनाना पड़ेगा, बंकर चाहिए, टनल चाहिए, जिसमें आपका शोधन होगा माल का, माल तैयार होगा यानी कंपोस्ट आपका तैयार होगा, उसमें बहुत सा सामान लगता है, समय भी लगता है, लोग भी लगेंगे बटन मशरूम, और साल के आप अगर इसको करना है तो आप संपर्क जिन किसी को भी कीजिए या हमें, हम लोगों को भी आप कर सकते हैं, अगस्त 15 तारीख के बाद, 15 अगस्त के बाद में इसका कंपोस्ट का प्रोसेस तैयार करके 1 सितंबर से कंपोस्ट बनाना शुरू करना पड़ता है, तो 30 दिन लगता है, उसके बाद अक्टूबर में रोपण होगा, नवंबर से माल निकलना शुरू होगा। इसके लिए क्या क्या प्रोसेस है, इसका लंबा चौड़ा प्रोसेस है, 20 दिन के बाद इसमें केसिंग सॉइल पड़ता है, फिर 35 से 40 दिन में माल निकलना शुरू होता है और अगला 50 दिन तक चलता है। ऑयस्टर मशरूम सबसे सिंपल है, सीधा उसका एक पुआल है, पुआल को लो, झाड़ो बढ़िया से, उसका शोधन करो, उसका पानी झाड़ो, कुछ माल मटेरियल डालना है तो डालो, सप्लीमेंट या बायोसिक्योरिटी एजेंट्स डाल करके फिर अपना बीज डाल के उसको टांग दो सबसे, और साल के आप 8 से 10 महीना तो आप इसको आँख मूंद करके कर सकते हैं, सिंपल, इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, लागत बहुत कम है, पानी स्प्रे करना है। पैडी स्ट्रॉ भी बहुत सिंपल है, उसका काल चक्र थोड़ा कम है, 32 दिन का लाइफ होता है, 12 दिन से निकलना शुरू हो जाता है, 32 दिन तक चलता है 20 दिन का साइकिल, उसके बाद खेला ख़त्म। अब हम लोग आते हैं टिप्स जो कि बहुत ही अहम है मशरूम फार्मिंग बिजनेस के लिए। टिप्स में पहला टिप्स है आपका कि जो मटेरियल का रिक्वायरमेंट है, कौन कौन सा मटेरियल चाहिए उगाने के लिए, प्लास्टिक चाहिए भरने के लिए, शोधन करने के लिए जो भी शोधन सामग्री चाहिए, नीम तेल चाहिए, और अगर आप बटन मशरूम का कर रहे हैं तो उसमें और भी बहुत कुछ चाहिए, फर्टिलाइजर्स चाहिए, जगह चाहिए। तो आपको सबसे पहला चीज़
पता करना है कि रिक्वायरमेंट क्या है मशरूम ग्रोइंग रूम के लिए, मशरूम इन्वायरमेंट के लिए और मशरूम उगाने के लिए ये। और अगर आप बड़ा कमर्शियल फार्मिंग कर रहे हैं, ग्रोइंग सिस्टम कर रखा है आपने, बड़ा स्केल का फार्मिंग आप कर रहे हैं, तो बड़ा जगह चाहिए, बड़ा सामान चाहिए और भी बहुत सा मशीनरीज चाहिए जो कि आपका चीज़ को कंट्रोल, क्योंकि जितना बड़ा आपका फार्म होगा रिक्स आपका बढ़ता जाएगा। तो उसके लिए आपको मटेरियल्स, मशीनरीज, इक्विपमेंट्स जो भी लगेगा, क्या क्या लगेगा उसका आपको आइडिया होना चाहिए छोटे पैमाने से, कौन कौन सा चीज़ कहाँ पे क्या काम करता है। आप अगर एक्सपर्ट के पास जाते हैं तो आप थोड़ा अपना भी छानबीन करके जाइए ताकि आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग करने में सहूलियत हो। उसके बाद में आपको प्रोसेसिंग के बारे में जानना है, मशरूम उगाने से पहले का प्रोसेसिंग, मशरूम उगाने के बाद का प्रोसेसिंग, मशरूम उगाने से, लगाने से, शोधन करने से पहले की तैयारी और मशरूम का बैग लगाने के बाद उसका देखभाल, उसका तैयारी, उसको बोलते हैं प्रोसेसिंग। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कंपोस्ट खाद जो बनाइएगा या जो माध्यम से आपका खेती होगा वो कैसे बनेगा, बटन मशरूम का अगर कंपोस्ट बनता है तो वो कैसे बनेगा, लॉन्ग मेथड है, शॉर्ट मेथड है, ओपन मेथड है, क्लोज बंकर टनल मेथड है बड़ा फार्म के लिए, तो वो कैसे कंपोस्ट बनता है वो आपको जानना है। फिर बैग लगाने का तरीका, बटन मशरूम का अलग है क्वांटिटी क्वालिटी, ठीक है, तरीका, मिल्की का अलग है, ऑयस्टर का अलग है, पैडी का अलग है, सिटाके का अलग है, गैनोडर्मा का अलग है। तो प्लांटेशन करने का जो तरीका है, कैसे उसको रखना है, कैसा उसका बैग में होल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, एन इन्वायरमेंट क्या होना चाहिए प्लांटेशन के समय, ये सब जानना आपको बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में प्रिकॉशन, कौन कौन सा चीज नहीं करना है, बहुत उसके ऊपर पैनी नज़र रखना है, उसको बोलते हैं मशरूम प्रिकॉशन। कोई भी ऐसा स्टेप मशरूम में नेग्लिजेंसी नहीं चलेगा, हर स्टेप उसके लिए मायने रखता है। तो आपको रूम से लेकर करके उसका, जब आपने बैग लगाया उस समय उसका एनवायरनमेंट रूम का कैसा होना चाहिए, कितना दिन तक होना चाहिए, लाइट हवा कब उसको चाहिए, कितना मात्रा में चाहिए, ये सब की आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इसको जो आपका मशरूम की खेती है उसमें ये सब सावधानियाँ हैं, ये आपको बरकरार रखना है। उसके बाद में जो उसे मैंने आपको पहले बताया था टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, तो ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना है, कौन सा मशरूम आप लगाएं उसको क्या ह्यूमिडिटी चाहिए सही से ग्रो करने के लिए, ना ओवर होना चाहिए ना अंडर होना चाहिए अगर आपको अच्छा फसल लेना है तो, रूम का नमीपन कैसा हो, कितना परसेंट होगा, ये सब का जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। मशरूम के, इसके बाद टिप्स है, मशरूम के बैग को कैसे आप रखिएगा, उसमें कैसे उसको हैंडल करना है, कितना दिन बाद केसिंग करना है, कब उसका मुंह खोलना है, कब और बाकी कटिंग वगैरह करना, अगर होल करके आपने कॉटन डाल रखा है जैसे ऑयस्टर मशरूम और मिल्की मशरूम में होता है, ठीक है, पैडी का कब कवर हटाना है, तो बैग को कैसे रखना है इसकी जानकारी आपको होनी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में बैग को कैसे काटना है, कब पानी देना है, कैसे पानी देना है, कितना बार पानी देना है, किस मौसम में कैसा हैंडल करना है, इसका हर महीना का अपडेट, ये सब जानना आपको बहुत ज़रूरी है। ये तो हो गया मशरूम प्लान, सॉरी मशरूम का फार्मिंग टिप्स, बिजनेस टिप्स। अब आपको जैसे मैंने पहले बोला था कि मशरूम फार्मिंग प्लान, तो आपको एक अच्छा प्लान तो चाहिए ही चाहिए, मार्केट रिसर्च बेस पर आपको एक प्लान तैयार करना पड़ेगा। ध्यान से हड़बड़ाना नहीं है, धैर्य रखना है, दिमाग से काम करना है, आपके दिमाग में आया है तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा ही करेगा। आप अपने सोच पे, अपने विचार पे, अपने विश्वास पे कायम रखिए जो आपको अपने ऊपर में है, चाहे दुनिया उसके लिए ना बोलता रहे, चाहे कोई भी हो, ये बहुत ज़रूरी है। कैसे आप माल बिक्री करेंगे प्लान में आपको ये भी सोचना है, आपका टारगेट कस्टमर कौन होगा, कैसे उसको आप अपने बस में कीजिएगा। मशरूम के बारे में आपको नॉलेज लेना है, लोगों को देना है, खाना बनाने का व्यंजन का तरीका,
क्यों कस्टमर खाएगा आपका मशरूम, ठीक है, उसका पैकिंग, उसमें लेबलिंग। कच्चा मशरूम में कोई टैक्स नहीं है, लेकिन अगर वो मशरूम सूख जाएगा तो 5% पाउडर में 5% GST है। कच्चा मशरूम में बिना लेबल का कोई टैक्स नहीं है, अगर लेबल लग जाएगा तो 5% टैक्स है, GST जो बोला जाता है। तो आपको ये सब चीज़ पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा, छोटा से शुरू करना, हड़बड़ाना नहीं है, ये होगा तो ये करेंगे नहीं, शुरू जो है उसी से शुरू करना है, शुरुआत और से ही करना है, लास्ट में जाकर क्षेत्र ज्ञा जो भी आऊँगा जो भी होगा, तो शुरू ऐसे करना है, ख़त्म जड़ में करना। तो शुरुआत तो कम से कम कीजिए, आप ऐसे भी अपने आप आ जाएगा। आपने देखा होगा कि हमारे आसपास में जो भी कुछ है, जैसे मोबाइल है, ड्रोन है, और ये सब OTT और क्या क्या अमुक तमुक प्लानेट, ये वो 9-6 कितना चीज़ जो कि आज से 50 साल पहले इसका कोई अस्तित्व नहीं था, ये सोच से उत्पन्न हुआ। तो आपका सोच भी काम कर सकता है, तो पॉजिटिव सोच रखिए, दिमाग से काम कीजिए, ठीक है। आपको ये सब चीज़ रिसर्च करते रहना पड़ेगा, जिस दिन आप माल लगाइएगा उसी दिन से आपका मार्केटिंग माल का शुरू हो जाना चाहिए। दोनों तरफ आपको यही मैनेजमेंट है, आपको सब तरफ ध्यान देना पड़ेगा। बड़ा बड़ा जो कंपनी में बॉस लोग बैठा हुआ रहता है, उसको ये मत सोचिए कि उसका एक डिसीजन से पूरा कंपनी का 9-6 हो सकता है, इसलिए उन लोगों को इतना पैसा मिलता है, प्रेशर कितना रहता है। आपका तो अपना बिजनेस होगा, तो आपको तो आप सौतेला व्यवहार करने से तो चलेगा नहीं, आपको तो एकदम सटीक रहना पड़ेगा, आपको एट टाइम एनी टाइम एकदम एट वर्क रहना पड़ेगा। अगर आपको कोई बड़ा कुछ करना है, स्थिर करना है, तो आपको ये चीज़ तो करना ही पड़ेगा। आप कोई भी किसी भी पुराना चीज़ का स्टोरी उठा कर देख लीजिए, कोई भी व्यक्ति का, शुरुआत छोटा से ही होता है, आस्ते आस्ते बड़ा, लेकिन लगे रहना है। छोटा मोटा अड़चन आएगा उससे हार नहीं मानना है। आपको इतना मैं बता दूं कि मशरूम का मार्केट बहुत ही वंडरफुल मार्केट है और फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आप मशरूम प्लान पर काम करने से पहले मार्केट स्टडी कीजिए, ट्रेनिंग लीजिए कहीं से, अपना बिजनेस को रजिस्टर्ड करवाइए, स्टार्टअप बनाइएगा कि नॉर्मल बिजनेस कीजिएगा। रजिस्टर्ड करने से बहुत तरीका का फ़ायदा रहता है। ये सब चीज़ पे टैक्स फैक्स का चक्कर है मत जाइए। 100 रुपया कमाइएगा, 5 रुपया देने में कोई टेंशन नहीं है गवर्नमेंट को, घूम फिर के पैसा हमारे समाज के ही काम में आएगा। तो वो आपका दायित्व तो बनता है, टैक्स उससे नहीं कतराइए। छोटा पैमाने में टैक्स नहीं लगता है, GST 40 लाख रुपया के ऊपर में लगता है, टर्नओवर दिखाना होगा आपको। GST नंबर लीजिएगा तब भी आप फाइलिंग कीजिएगा, जो आपका हकीकत है वही फाइलिंग कीजिएगा, टेंशन नहीं। जितना आपका चीज़ रजिस्टर्ड रहेगा, जितना आपका कागज पत्र काम सही रहेगा, आपको बिजनेस करने में उतना सहूलियत होगा, उतना आप जल्दी बड़ा कर पाइएगा। कहाँ पर कीजिएगा मशरूम, ये भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा जगह में कीजिए जहाँ पर धूल धक्कड़ कम हो, बंजर ज़मीन हो चलेगा, जिसमें कोई फसल नहीं होता, उसमें झोपड़ी बना कर करके डिज़ाइनिंग से जो उसका रिक्वायरमेंट, अंदर में टांगने वाला बनाना है, झुलाने वाला की रैक बनाना है, वो अपना सब कैलकुलेशन कर करके आपको ऐसा जगह, फाँका जगह जहाँ पर मिट्टी धूल सब उड़ता ना हो ज़्यादा, अगर उड़ता हो तो प्रोटेक्शन देने का तरीका क्या है, ये सब चीज़ आपको जानना ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि मशरूम को डैम्प डार्क प्लेस बहुत ज़्यादा पसंद है और कम जगह लेता है ये उगने में। मशरूम का जो बिजनेस है ये 0 वेस्टेज प्रोडक्ट है, ये हर हम लोग अगर उसको खाएंगे तो हम लोग का स्वास्थ्य अच्छा होगा, उसको बेचेंगे तो पैसा आएगा, जो भी इससे इन्वॉल्वमेंट होगा इसका बिजनेस में उसको पैसा लाभ होगा, आर्थिक लाभ होगा। खाने से आपका स्वास्थ्य लाभ होगा, अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा आपको आर्थिक लाभ होगा, तो आप दो परसेंट ज़्यादा मेहनत कीजिएगा, उससे समाज का भी हित होगा, आपका भी होगा, और समाज और आपका हित होगा तो देश भी मजबूत होगा, देश का भी हित होगा। तो ओवरऑल मशरूम करना बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। अच्छा, उसके बाद में इक्विपमेंट कौन कौन सा लगेगा, जैसे आपको मैंने बताया मशरूम के लिए ट्रेड लाइसेंस पहले लीजिए, फिर अगर बड़ा हुआ GST, अगर कोई प्रोडक्ट वगैरह चार पापड़ बड़ी जैसे हम निकालना चाहते हैं तो फूड लाइसेंस लेना पड़ेगा, सब कुछ हो सकता है। वो कैसे करना है, क्या करना है, वो सब आपको छानबीन करना पड़ेगा। हमारे पास आइएगा तो हम आपको मदद करेंगे, हमारा जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको आपको अप्रूवल देना पड़ेगा, या तो आप अपने आप कीजिए छानबीन कर करके। तो बिजनेस प्लान बहुत ज़रूरी है, मार्केट रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है, चाहे कोई भी आप बिजनेस कीजिए। पॉसिबल क्लाइंट, जैसे आपका प्रेजेंट क्लाइंट आपने टारगेट किया, पॉसिबल क्लाइंट कौन कौन हो सकता है, जैसे हार्ट का पेशेंट, डायबिटीज़ का पेशेंट, कमज़ोर है,
आँख का समस्या है, कब्जियत हमेशा रहता है, पेट रिलेटेड समस्या है, ठीक है, ये सब लोगों को खून के रिलेटेड समस्या है, इन सब लोगों को आप ऑर्गेनिक, अगर आप 100% ऑर्गेनिक मशरूम कर रहे हो तो आप कैंसर पेशेंट वगैरह को भी टारगेट कर सकते हैं। तो देर इज़ अ वास्ट स्कोप, बहुत बड़ा है, आपको बिक्री करना भी सीखना, वही बिजनेस होगा आपका। उसके बाद में आपको आस्ते आस्ते कर करके सब रिसोर्स के बारे में पता करना पड़ेगा कि भाई आपका धान अगर आप लेकर के आ रहे हैं, पुआल लेकर के आ रहे हैं, तो वो सस्ता कहाँ पड़ेगा, कहाँ पर उसका कटिंग करना है, कैसे करना है, माल अगर वो कस्टमर को अपना भेजेंगे दुकानदार को या कस्टमर, तो हम खुद जाकर डिलीवर्ड करके आएंगे कि उससे किसी माध्यम से पहुँचाएँगे, कैसे पहुँचाना है, जल्द से जल्द कैसे पहुँचाना है, कितना बजे पहुँचाना है, ये सब चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आपको ये भी डिसाइड करना है कि साल भर में कौन सा सीजन में कौन सा मशरूम आप उगाइएगा, मशरूम तो बहुत है, कौन सा वैरायटी आपको करना है, बटन करना है, पोर्टाबिलिया करना है, ऑयस्टर करना है, पैडी स्टॉक करना है, सिटाके करना है, लॉइन मैनेंट करना है, वाइट बटन करना है या और कुछ करना है। ऑयस्टर मशरूम वर्ल्ड का चीपेस्ट है और अभी बटन मशरूम ही पॉपुलर है, सेकेंड में ऑयस्टर और सिटाके चल रहा है, लेकिन सबसे ऑयस्टर मशरूम जो है थोड़ा ओवरऑल देखा जाए तो बटन मशरूम से थोड़ा कॉस्टलियर है, लेकिन प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा लेकर के आता है, क्योंकि बटन मशरूम हिप में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में करना पड़ता है, मिनिमम 500 किलो का हिप होगा, लेकिन आप ऑयस्टर मशरूम 1-2 किलो पुआल से भी शुरू कर सकते हैं। अंतर है, मिल्की का भी वही है ऑयस्टर के जैसा, आप 1-2 पैडी का भी कर सकते हैं, लेकिन बटन का 1-2 नहीं होगा, ये आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद सब्सट्रैक्ट जो है, स्पॉन कहाँ से लाइएगा, जो उसका बीज होता है, सब्सट्रैक्ट जो माध्यम है वो तो ठीक है, कहाँ से स्पॉन लेकर गए, कैसे आपके पास आएगा, कल्चर कैसा होगा, अपना स्ट्रॉ जो उसको स्टॉक कैसे कीजिएगा, कौन सा पद्धति अपनाइएगा, ऑर्गेनिक कीजिएगा कि सेमी केमिकल कीजिएगा, केमिकल तो अभी जो बैबेस्टिन और फॉर्मलिन का तो अभी समय ख़त्म होता जा रहा है, उसमें जो ट्रेस एलिमेंट पाया जाता है वो थोड़ा हानिकारक होता है, रह ही जाता है मशरूम के अंदर, तो उसके एवज में अभी आप या तो ऑर्गेनिक कीजिए बॉइलिंग प्रोसेस ठंडा गर्म पानी के माध्यम से, और या तो आप सेमी ऑर्गेनिक कीजिए, ब्लीचिंग, नीम तेल और पैस्चराइजिंग पाउडर, उस मैजिक पैस्चराइजिंग पाउडर आता है, वो ऑयस्टर और मिल्की के लिए 1 नंबर का है, 100% रिजल्ट है, बहुत ही अच्छा है मूस मैजिक। इसके लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं मूस मैजिक पैस्चराइजिंग पाउडर के लिए, ऑयस्टर मशरूम और मिल्की मशरूम के सब्सट्रैक्ट माध्यम को शोधन करने में काम आता है, ब्लीचिंग पाउडर भी हमारे पास आपको मिलेगा, नीम तेल भी मिलेगा। तो ये सब चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है, कौन सा साइज का लगाइएगा, गर्म ठंडा में कौन सा साइज का लगेगा, आपका बटन मशरूम का अलग साइज होता है, मिल्की का अलग होता है, ऑयस्टर का अलग होता है, ठंडा में बड़ा होता है, गर्मी में छोटा हो जाता है, पैडी का रैग बनता है, पटरा बनता है, तो आपको ये सब चीज़ कितना टेम्परेचर होना चाहिए, फ्रूटिंग जब आपने माल लगा, स्पॉन रन हुआ, और बाद में कब हुआ फ्रूटिंग, कब निकलेगा, कब कटिंग करना है, कब पानी मारना है, उस समय टेम्परेचर क्या होना चाहिए, सब टेक्निकल चीज़ है, आपको आहिस्ते आहिस्ते समझ में आएगा, ये चीज़ आपको आहिस्ता आहिस्ता होगा, हड़बड़ाना नहीं है, आस्ते आस्ते करके दुकान सेट कीजिए, अपना काम सेट कीजिए, एक चक्र बनाइए, चक्र बनाने में कम से कम आपको साल भर लग जाएगा स्थिर रूप से। आदमी एक चाय का दुकान भी खोलता है तो उसको भी समय लगता है, अब तो एक मशरूम का बिजनेस कीजिएगा, आप ऐसा चीज़ उगा रहे जिसे समाज का स्वास्थ्य लाभ कितना बड़ा, आर्थिक लाभ होगा आपको, कितना आदमी लोग नहीं, अगर डायरेक्टली दुआ देता है तो उन लोगों का जो आत्मा है, शरीर है, वो आपको दुआ देगा, क्योंकि उसका शरीर को आप के माध्यम से ही राह मिला, आपका मशरूम खा करके उन लोग को राहत मिला है। रेस्टोरेंट को कांटेक्ट कीजिए, ग्रॉसरी शॉप को मार्केटिंग कीजिए, ना 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 सुनते 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 ही हाँ होगा। अगर आप होलसेल काम शुरू करना चाहते हैं तो कम से कम 500 स्क्वायर फीट एरिया में 500 से 700 किलो तक माल निकल सकता है एक चक्र में, सही है प्रॉफिट उसका, कम से कम 500 स्क्वायर फीट से शुरू कीजिए फार्म, मिनी फार्म, माइक्रो तो और छोटा हो जाएगा, मिनी फार्म, ठीक है, माइक्रो 100 स्क्वायर फीट का होता है, मिनी फार्म जो है, और माइक्रो से नीचे नैनो हो गया, नैनो फार्म, तो प्रॉफिट आपका अच्छा आएगा। आप वहाँ पर ऑयस्टर मशरूम आराम से उगा सकते हैं, ऑयस्टर मशरूम साल भर में
आठ महीना तो आप आराम से कर सकते हैं, गर्मी का जो 4 महीना उसमें आप मिल्की मशरूम कीजिए। फिर आपको कॉस्टिंग देखना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट कितना है। ऑयस्टर मशरूम तो आपका 5-6 रुपये से शुरू हो जाएगा, लेकिन बटन मशरूम के लिए 20-30 हज़ार रुपये चाहिए ही चाहिए, जगह भी ज़्यादा चाहिए। बटन मशरूम आपका आसानी से 5-6 रुपये में शुरू हो जाएगा, 50-100 किलो प्रोडक्शन आपका 5 हज़ार में शुरू हो जाएगा। 5 से 7 हज़ार रुपये लगेगा, कहीं कम कहीं बेसी, 10% प्लस माइनस, इससे बेसी नहीं लगने वाला है। ठीक ठाक फार्म आपका कॉस्टिंग कितना बैठ रहा है, जैसे 1 किलो वो बटन मशरूम बनाने में 50-52 रुपया बोलते हैं, लेकिन इतना होता नहीं क्योंकि ह्यूज में बनता है, तो वही लगभग समझ लीजिए आप 40 रुपया के हिसाब से उसका कॉस्टिंग आता है। और ऑयस्टर मशरूम है 40-42 रुपये करके किलो का जब बनाइएगा तो इसका कॉस्टिंग आता है। बिक्री होता है होलसेल में बटन मशरूम 50-60 रुपये से लेकर 90 रुपये तक में, ऑयस्टर जो है 80 से 100 रुपये में होलसेल में। रिटेल में बटन मशरूम जो है ट्रे में 200 ग्राम का बिक्री होता है आपका 30 रुपये से लेकर के 60 रुपये तक सीजन के हिसाब से। ऑयस्टर मशरूम 200 ग्राम जो है 30 रुपये से लेकर करके 50 रुपये तक 200 ग्राम। मिल्की थोड़ा कॉस्टली है, 60 रुपये 50 रुपये 60 रुपये होलसेल 200 ग्राम। पैडी स्ट्रॉ भी कॉस्टली है, वो भी 60 रुपये 100 ग्राम 55 रुपये 60 रुपये 100 200 ग्राम। तो आपको ये सब कॉस्टिंग ये सब कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, सब अपना सिस्टम को ठीक करना है, ये करना है क्या क्या इक्विपमेंट है, कितना कॉस्टिंग बैठेगा, स्पॉन कहाँ से आएगा, सब्सट्रैक्ट कहाँ से आएगा, लेबर कितना लगेगा, मिसलिनियस कॉस्ट कितना है, ये सब चीज़ आपको सोच समझ करके अपना मशरूम का फार्म शुरू करना है। तो कंक्लूजन यही है कि मशरूम फार्म शुरू करने में बहुत आसान है, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है और इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा है, इंसान के लिए बहुत अच्छा है, प्रकृति के लिए अच्छा है, हमारे जानवर के लिए अच्छा है, ओवरऑल पूरा हमारे ब्रह्मांड सृष्टि के लिए अच्छा है। ऑर्गेनिक वेस्ट को ये कन्वर्ट करता है न्यूट्रिएंट फूड में, खाद्य पदार्थ में, और ये एक वेजिटेबल है, एक सब्जी है, प्योर वेगन के क्वालिटी में ये आता है, वेगन जो मतलब प्योरेस्ट ऑफ द प्योर वेजिटेबल होता है उसमें इसकी गिनती आती है। सूरत पे ना जाए, इसके जो अंदर के गुण है उस पे आप जाएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पॉडकास्ट आज्ञा दीजिए, अगला वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं। और जिन भाइयों को मशरूम का काम करना है वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग 10 AM to 6 PM। माई फ़ोन नंबर इज़ 9681505071। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग अच्छा रहें, स्वस्थ रहें, सावधान रहें, इसी आशा के साथ आज यहाँ पे कुंड विराम लेता हूँ। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।